वी द पीपल, हम भारत के लोग में ये बात बार बार आती है कि संघ का जो वी द पीपल संघ है, समण संघ है, इसका फाउंडर कौन है, किसने इसको बनाया। कई बार बताया जा चुका है, इस बार फिर स्पष्ट कर लें। बुद्ध से पहले जो शाक्य गण था, गणराज्य था, उसके अंदर संघ था, वहां नियम संघ के आधार पर होते थे। तो संघ के फाउंडर शाक्य गणराज्य से पहले के लोग रहे हैं और वही उनके फाउंडर हैं। बुद्ध ने उसी पद्धति को आगे बढ़ाया, संघ को आगे बढ़ाया, और उन्होंने चार तरह के संघ बनाए, उपासक संघ, उपासिका संघ, भिक्कुणी संघ और भिक्कू संघ। वो चारों संघ बने और संघ में, भिक्कू और भिक्कुणी संघ में 50,000 से ज़्यादा लोग थे, बाकी उपासक और उपासिका संघ में तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग संघ में थे। पूरे भारत संघ के अधीन रहता था, एक ही संघ हुआ करता था। इसलिए जो संघ के फाउंडर हैं वो पुराने लोग हैं, बुद्ध से भी पुराने लोग हैं। बुद्ध ने चूंकि संघ के नियम बनाए, विनय पिटक के नियम बनाए, इसलिए कह सकते हैं कि बुद्ध नियम बनाने के फाउंडर हैं। उन्होंने इसको डेवलप किया, इसको आगे बढ़ाया और इसको कंप्लीट किया, सम्यक सम किया, इसको पूरा किया। तो इसलिए बुद्ध को एक बड़ा फाउंडर इसमें माना जा सकता है। उसके बाद में यही पद्धति महापुरुषों ने उठाई, जिन्होंने संगत करके बोला इसको और संगति करके बोला। और जितने भी संत और साधु थे वो कहते थे कि संगति में रहो, संगत में रहो। बहुत सारे हमारे लोगों के नाम आज भी संगत हैं, नाम के पीछे संगत आता है। तो जो संगत उन्होंने बताई, वही नियम जो संघ के थे उन्होंने किया आगे, और वो उसके को फाउंडर रहे और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको फिर निकाला बाहर और बाबा साहब ने इसको मॉडर्न हिस्ट्री में स्थापित किया, मॉडर्न जमाने में स्थापित किया। तो कह सकते हैं कि मॉडर्न जो फाउंडर हैं संघ के, वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिसके तहत में उन्होंने भारत गणराज्य संघ नाम से पूरी की पूरी एक रचना कर डाली, जिसको संविधान बोलते हैं, और पूरा भारत उन्होंने महासंघ के रूप में, भारत गणराज्य संघ के रूप में जोड़ दिया। तो इसलिए संघ के जो फाउंडर हैं वो महापुरुष से लेके डॉक्टर अंबेडकर तक और आगे आने वाले जो लोग संघ की काम करने वाले लोग हैं वो उसके फाउंडर को फाउंडर होते चले जाएंगे, रहते चले जाएंगे। संघ की जो पूरी पूरी कल्पना है या पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा काबिल माना जाता है, क्योंकि संघ में सभी लोगों की बराबर की हिस्सेदारी होती है। धन्यवाद।